नहीं आता वो बताएं, उसकी कुंडली लगाते हैं क्विक। सर मेरे को नहीं आता सर, श्रीकुट पालना नाम बोले। ये युवक डेट बोले, 29/05/1987 डेट टाइम बोले, साकेत कॉल जी टाइम बोले, 13/12 सर, जगह बोले, कोलकाता सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। राइट, आपकी कनेरा की कुंडली है, आपने ये बोली है डिटेल, जो आपने डिटेल बोला है, आपने बोला 29 मई 1987 13:12 कलकत्ता वेस्ट बंगाल, ठीक है साकेत पॉल जी। आज हम कर रहे जा रहे हैं अभी चंद्रमा का गोचर, इनके चार्ट से हम ये देख लेते हैं, ये इनका D1 चार्ट है, ये इनका D9 चार्ट है, और ये इनका कब्स चार्ट है, ठीक है। चंद्रमा का गोचर, चंद्रमा आज इस समय में गोचर कर रहे हैं मेष राशि में, इस समय में गोचर कर रहे हैं मेष राशि में, गोचर करते समय चंद्रमा इनके शुक्र पे से गोचर कर रहे हैं, शुक्र 8 बैठा है और इनके ट्राइन में इस टाइम पे कोई भी और प्लेनेट इनका नहीं आ रहा, इनके ट्राइन में कोई प्लेनेट नहीं है, ठीक है। सिर्फ ट्राइन को लें ज्यादा आसान रहेगा, चंद्रमा वैसे भी छोटा प्लेनेट है, गोचर में जल्दी चेंज होता है, तो उसे ज्यादा ज्यादा सीधा सीधा देखेगा तो ज्यादा अच्छा होगा। चंद्रमा का गोचर शुक्र पे है, इस तरीके से आज हम गोचर देखेंगे, इज दैट क्लियर। अगर हम D9 में जाएंगे, D9 में भी मेष पे चंद्रमा मिलेगा, इधर चंद्रमा मेष में, मेष पे कोई प्लेनेट नहीं है इनके, और मेष के केस में इनके टाइम में भी कोई प्लेनेट नहीं है। इस केस में D1 D9 के पर्सपेक्टिव से थर्ड हाउस के अंदर गोचर कर रहा है, बट आप D9 को भी अभी कंसिडर ना करें, सिर्फ थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया, आप कंसिडर यहीं पे ही करें, ठीक है। और कस्पल में भी इनका सेम ही कॉम्बिनेशन है, चंद्रमा का और शुक्र का सेम कॉम्बिनेशन है, सो ये ट्रांजिट को देखने की विधि है, ठीक है, तरीका ये ट्रांजिट को देखने का। इज दिस क्लियर? एनी क्वेश्चन ऑन दिस एस्पेक्ट, देन वी विल स्टार्ट दी गोचर के प्रभाव। सर ये तीन चार्ट बनाए आपने, एक तो बर्थ चार्ट, एक कृष्णमूर्ति चार्ट और एक D9 चार्ट, तीनों में ट्रांजिट दिखा रहा है ये और तीनों में अलग अलग दिखा रहा है। हाँ बिल्कुल, तीनों में दिखाएगा। चंद्रमा तो, चंद्रमा का जो गोचर वो मेष राशि में है, और चंद्रमा जिस राशि में गोचर कर रहा है हर चार्ट के अंदर वो राशि कहीं ना कहीं तो लैंड करेगी ना, वो राशि तो गोचर तो सब जगह दिखाएगा, लेकिन हमारे को D1 का कनेक्ट करना है अभी के लिए, अभी के लिए हम D1 ही कनेक्ट करें बस। मैंने आपको जिन जिन को थोड़ा थोड़ा आइडिया उनको बता दिया, जिन्होंने पहले सीखा उनको बता दिया कि D9 के अंदर भी आप कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन आप D1 कंसिडर करें बस, आप इतना ही ध्यान दें आप। और D1 के पर्सपेक्टिव से शुक्र के ऊपर चंद्रमा का गोचर है इस टाइम पे, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि मैंने एस्ट्रो सेज से अपना ट्रांजिट वाला चार्ट निकाला है, लेकिन वो एक ही ट्रांजिट का चार्ट है, ऐसे तीन चार्ट बन रहे हैं इसमें तो प्रेशर में। तो मैडम ये प्रेशर की टेक्नोलॉजी है, इसमें क्या कह सकता हूँ, उसमें हाथ से बनाने पड़ेंगे, बैठ के उसे कॉपी पे लिखने पड़ेंगे सारे, ठीक है। एस्ट्रो सेज फ्री का चार्ट वो उनका ही देता है, प्रेशर लाइट के अंदर काफी सारी वर्कशीट आती है बनाने के लिए, सेल्फ डिजाइन करने के लिए, तो मैंने ये वर्कशीट सेल्फ डिजाइन करी हुई है, ठीक सर, ठीक है। लेकिन डाटा पूरा मिलेगा स्टेज में आपको, D1 चार्ट मिलेगा, D1 चार्ट के ऊपर आपको ट्रांजिट हाथ से लगाने पड़ेंगे, इसमें इस तरीके से बना बनाया नहीं मिलेगा, जैसे हमने यहाँ बना बनाया आता है वैसा वहां नहीं आएगा, जैसे ये बना बनाया आ गया यहाँ पे, ये कैलकुलेशन में और ये जब हम प्रिडिक्शन करते हैं उसके लिए देखने में बहुत आसान होता है, हमारे को बना बनाया मिल जाता है हम सीधा सीधा देख के बता देते हैं, एस्ट्रो स्टेज वाले को देखना पड़ता है, उसको लगाना पड़ता है, वो मुश्किल हो जाता है, टाइम लगता है उसमें, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको, चले आगे। राइट,
चलिए चंद्रमा का गोचर स्टार्ट करते हैं आज। चंद्रमा का गोचर सूर्य से स्टार्ट करते हैं। सूर्य क्या आत्मा कारक और चंद्रमा क्या मन कारक। मन कारक का गोचर आत्म कारक के ऊपर, नेटिव रॉयल होगा, सोसाइटी में उसका मान सम्मान बढ़ेगा इस टाइम पे, फर्म और फेयर एटीट्यूड होगा, प्रोफेशनली उसको थोड़ा सा घूमने का या चेंजिंग का मूवमेंट आएगा, शॉर्ट ट्रेवल हो सकती है क्योंकि शॉर्ट मूवमेंट होता है, शॉर्ट गोचर होता ही है, शॉर्ट ट्रेवलिंग या फिर चेंज ऑफ मूड, चेंज मूड स्विंग्स प्रोफेशन में रहेंगे इस टाइम पे। इट इज आल्सो पॉसिबल अगर जैसे फीवर का टाइम चल रहा है आजकल के टाइम में, तो फीवर के आने की पॉसिबिलिटी जल्दी रहेगी, लेकिन मेडिसिन ही विल टेक अप मेडिसिन दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और हेल्थ के लिए ध्यान रखिएगा, हेल्थ के लिए ध्यान देना है। फादर, क्योंकि सूर्य फादर भी है और बेटा भी है, दोनों के केस में अननेसेसरी का खर्चा बढ़ सकता है इस टाइम पे, ट्रैवलिंग बढ़ सकती है। चंद्रमा खर्चा कारक है भिगुरुंदी के अंदर, चंद्रमा मूवमेंट का कारक है भिगुरुंदी में, और चंद्रमा जो है अनफोर्सिन अनफोर्सिन एक्टिविटी, शॉर्ट टर्म एक्टिविटी का कारक भी है। चंद्रमा एट द सेम टाइम फन का एंजॉयमेंट का कारक भी है, ब्लेम का कारक भी है। तो ऐसे में ये स्थिति छोटे टाइम के लिए पैदा होती है। मदर के पर्सपेक्टिव से, मदर क्योंकि मदर का कारक भी है, मदर के लिए अच्छा पीरियड होता है, सोशल वर्क चैरिटीज स्पिरिचुअलिटी के अंदर मदर को बढ़ावा मिलता है, मान सम्मान मिल सकता है। और हमारी अगर सिस्टर है तो कोई एक सिस्टर को, सिस्टर विल बी हैविंग अ कैपेबिलिटी टू लर्न मोर, और उनका जो झुकाव है लर्निंग की तरफ जाएगा। ये मोटे मोटे इसके इस तरह प्रभाव रहेंगे जब चंद्रमा का गोचर शुक्र पे, जब चंद्रमा का गोचर सन पे होगा। जैसे इनके केस में चंद्रमा का गोचर शुक्र पे चल रहा था, अभी हम शुक्र पे चंद्रमा चलता हुआ चंद्रमा का गोचर क्या बोलेंगे। नेटिव विल थिंक अबाउट द प्लेजर एंटरटेनमेंट्स, इट मे कॉज डेप्थ ऑल्सो। नेटिव का झुकाव प्लेजर लग्जरी की तरफ जाएगा। ठीक, अगर कोई एक्टिविटी चल रही है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो इट्स अ टाइम ही मे गेट चीटेड, तो उस टाइम पे ध्यान रखना है। आप प्रेडिक्शन में बोलेंगे कि भाई इस तरह कोई प्रॉपर्टी का काम कर रहे हो, कोई एसेट्स का काम कर रहे हो, तो कोई डील मत करना, यू मे गेट चीटेड, अनवांटेड एक्सपेंस हो जाएगा, फालतू का नुकसान हो जाएगा, वो मत करना। कहीं घूमने फिरने का या प्लान कर रहे हो, इट्स अ गुड टाइम, सेंसुअल प्लेजर का टाइम है, यू कैन मूव ऑन, यू कैन डू लग्जरीज, अच्छा टाइम है। एक्सपेंस करने का प्लान कर रहे हो, कोई घूमने फिरने पे फुलफिलमेंट अच्छी बात है, कुछ एक्सपेंस करने का प्लान कर रहे हो, लेने पे खरीदने पे एसेट्स पे प्रॉपर्टी पे मत करना, रुकना, अच्छा नहीं है टाइम ये। मदर के पर्सपेक्टिव से शुक्र का, शुक्र पे गोचर मदर के पर्सपेक्टिव से इतना हेल्थ का इश्यूज दिखाता है, इतना अच्छा नहीं है, फालतू का खर्चा दिखाता है। फीमेल के पर्सपेक्टिव से, वाइफ के पर्सपेक्टिव से इट इज गुड, बट थोड़ा इस टाइम पे जो झुकाव होगा वो प्लेजर की तरफ होगा, उसका ध्यान रखना। मे गो फॉर आउटिंग, मे गो फॉर डेटिंग, ये सारे काम प्रभाव इस टाइम पे अच्छे होंगे। अगर हम दो लाइन के अंदर बोलेंगे कि चंद्रमा गोचर शुक्र पे, इट्स अ टाइम फॉर एक्सपेंसेस, इज अ टाइम फॉर इवेंट विद रिस्पेक्ट टू डॉटर एंड वाइफ, ये दो लाइन का आंसर होगा। सर अब नमस्कार, ये प्रॉपर्टी के लिए अच्छा क्यों नहीं माना जाएगा? सिर्फ लग्जरी के एक्सपेंसर लिए कारक है, इसलिए शुक्र है। हाँ नहीं हाँ एक्सपेंसर कारक है, एक्सपेंसर कारक है, और चंद्रमा फ्रिकरिंग माइंड है, ब्लेम का कारक है, चंद्रमा नुकसान का कारक भी है। प्रॉपर्टी के ऊपर काम करेंगे ओके। अच्छा गोचर में, तो वो 2 दिन 2.5 दिन का जो गोचर है वो अच्छा मतलब नुकसानदेह हो एंटरटेनमेंट के सकता लिए है। ठीक है, लेकिन लॉन्ग टाइम के किसी उसके लिए नहीं फन है। फन प्लेजर एक्टिविटी डेटिंग आउटिंग इन सब के लिए बढ़िया है। इन सब ओके पे ओके खर्चा तो ये भी है, लेकिन क्या बोले हाँ कि हाँ खर्चे सही है इस टाइम पे, एंटरटेनमेंट फन के लिए सही रहेंगे। एसेट्स के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर, किसी गोल्ड ज्वेलरी जैसी चीज के ऊपर खर्चा इस टाइम पे ठीक नहीं है, उसमें नुकसान होने की पॉसिबिलिटी रहेगी, ठगे जाने की पॉसिबिलिटी रहेगी, तो वो उस ओके टाइम पे नहीं करना है। डेट्स हाउ इट इज। वीनस पे शुक्र थैंक यू सर। चंद्रमा गोचर, वीनस पे चंद्रमा गोचर रिलेशनशिप फुलफिलमेंट के लिए अच्छा टाइम है, दिस इज पॉसिबल, राइट। जी आप तो बोले, 10 दिन साकेत बोल जी में, कुछ बोलना चाहते हो आप। हाँ जी सर, अब भी घूम के आया, मतलब 10 दिन का एक ट्रिप था हेमता पास में, तो बस कल ही हाँ फ्लाइट से वो लैंड किया कोलकाता में, तो बहुत चलो बढ़िया गुड घूमा सर, वो हुआ गुड। था।